press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया लुक, एक नए फेस के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। आज हमारा लुक है बहुत ज़्यादा मॉडर्न ग्लैम पार्टी मेकअप। ये हमारी जो क्लाइंट आई हुई है, इनका आज फंक्शन है रिसेप्शन इनके भाई का, और उसमें ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, और जिसमें इनका ड्रेस भी बहुत ही आउट क्लास है और थोड़ा सा फॉर्मल वेस्टर्न टाइप है। तो हम लोग इनको आज कैसा लुक देने वाले हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई फंक्शन आता है और आप भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी दिखना चाहती हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना है और अच्छे से देखना है। सारे स्टेप्स, सारी टेक्निक्स आप लोगों ने देखी हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाली हूँ आज। तो फेस आपने देख लिया इनका, और हम लोगों ने इनको डायरेक्ट दिया है मुसर्रत मिसबा। और स्किन मैंने पहले प्रिपेयर कर ली थी, इस पे मैंने विटामिन सी सीरम और प्राइमर वगैरह सब कुछ दे के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि हमारी जो स्किन है अच्छी तरह से रेडी हो जाए। और इसके बाद मैं बनाऊंगी इनकी बेस। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज कोई कंसीलर नहीं लगाया है, कोई ओरिएंटल नहीं लगाई है, कोई मैंने पैचेस फिक्सर नहीं लगाया। तो बात यह है कि जब हमारे पास ऐसी कोई स्किन आती है जिसके ऊपर कोई पैचेस नहीं होते, कोई उस पर ना डार्क सर्कल्स होते हैं ना उन पर कोई पिगमेंटेशन होती है, तो फिर ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। क्योंकि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं MM का आलमंड शेड, आपने पहले वाली वीडियोज़ में भी मेरा देखा होगा ये वाला, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि इसकी HD कवरेज है और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर एक बेस कवरेज देता है। अगर आपको आपके पास कोई ऐसे साफ़ सुथरा फेस आ जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कंसीलर देने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ओरिएंटल 30 या चाइनीज़ देने की। आप डायरेक्ट इसके ऊपर ये लगा सकते हैं और इसको ब्लेंड करके फेस अपनी पैक कर सकते हैं। और आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको पहले से ये बना के बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए रिज़ल्ट के हमने इसमें किस तरह से लगाया, कितने क्वांटिटी लगाई है और क्या रिज़ल्ट आया बेस बनने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी देर के बाद ड्राई होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल फिक्स हो जाता है स्किन पे, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है। तो अच्छी तरह से फिक्सिंग आपने करनी है, बहुत तेज़ हाथ के साथ करनी है, आपने छोड़ना नहीं है स्किन के ऊपर इसको। अगर आपने ड्रॉप्स लगा के छोड़ दिए, पहले एक साइड आराम से फिक्स कर रहे हैं फिर दूसरी साइड पाएंगे तो उस वाली जगह पे वो जम चुका होगा, ठीक है। आजकल मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये जल्दी ही जम रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जल्दी से ड्रॉप्स लगा के फेस पर, और फेस पहले से हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास विटामिन सी सीरम नहीं है, अगर आपके पास प्राइमर अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, उसके बाद आप हल्का सा एलोवेरा दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ ना भी हो तो आप क्या करें, हल्का सा बेबी लोशन लगा लें उसके ऊपर, फिर आप थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर लें। आपकी स्किन को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चर हो चुकी होती है और बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद वो कोई भी आप फेस लगाएंगे तो अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी और बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट देगी, ठीक है। पैची नहीं होगी, बेस क्रैक नहीं होगी आपकी। तो अच्छी तरह से बेस देने के बाद मैंने फेस पाउडर दिया। फेस पाउडर के बाद मैंने हल्का सा लूज़ पाउडर और शाइनर को मिक्स करके और इसको ब्लेंड कर लिया। प्रॉपरली ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पाउडर सारा डस्ट ऑफ हो जाए। उसके बाद हम लोग करेंगे कंटूरिंग, और कंटूरिंग के लिए मैंने डार्क शेड यूज़ किया है कंटूरिंग का, कलर एक्सप्रेस वालों का। और ये देखें, अच्छी तरह से इनका मैं चीक बोन के नीचे शेडिंग कर रही हूँ, और फिर जो जॉ लाइन है हमारी उसको भी थोड़ा सा, मैं जॉ लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ शेडिंग। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो अमूमन हम लोग जो हमारी जॉ लाइन होती है या चिन होती है उसके नीचे ज़्यादा शेडिंग करते हैं, लेकिन इनकी मैं थोड़ी थोड़ी ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि इनका फेस थोड़ा सा चबी है और इनको स्लिम लुक देना है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम जो हमारी बोन होती है उसके ऊपर तक ले आएंगे, ठीक है, कलर। और इसको आप जितना डार्क करना चाहें कर सकते हैं, जितना लाइट रखना चाहें कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। उसके बाद आपने करनी है बेकिंग। बेकिंग आप ट्रायंगल स्पंज से भी कर सकते हैं और पाउडर स्पंज से भी कर सकते हैं। मैं पाउडर स्पंज के साथ कर रही हूँ। इस तरह से एक फाइन लाइन क्रिएट कर देने से हमारे जो फीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से लाइन अप टोन्ड अप हो जाते हैं, और आपको कोई बिल्कुल मिक्सिंग नहीं लगती है, और आपको ये नहीं फील होता कि आपका कंटूरिंग कहाँ तक जा रहा है या ब्लशर कहाँ तक जा रहा है। शेप आ जाती है, आपके जो फीचर्स होते हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटूरिंग करने के बाद हम अच्छे से नोज़ की कंटूरिंग करेंगे, और इनका नोज़ आगे से थोड़ा सा चौड़ा है तो मैंने साइडों में भी अच्छे से दी है, नीचे तक शेड दिया है, और फिर हमने नोज़ की टिप पर भी हल्का सा देना है, जिससे इनका जो नोज़ है वो सामने से लंबा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, कंटूरिंग करने के बाद हम कर लेंगे ब्लश ऑन,
का ब्लश ऑन मैंने पीच पिंक कलर लिया है। इनका जो ड्रेस है वो गोल्डन और पिस्ता ग्रीन है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं ब्लश ऑन वगैरह और कंटूरिंग सबसे पहले इसलिए कर लेती हूँ कि जब तक हमारा मेकअप कंप्लीट होता है तब तक ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके होते हैं और इन पे लाइट सा जो ग्लो होता है वो आ चुका होता है। अगर हम सारा मेकअप पहले करने के बाद लास्ट में ब्लश ऑन और कंटूरिंग करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पाता है और वो बहुत ज़्यादा लाउड लगता है और क्लाइंट थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये बहुत ज़्यादा लग रहा है या कुछ अलग से लग रहा है। तो इसलिए अगर आप पहले कर लेते थोड़ा सा उसको, तो जब तक आपका मेकअप कंप्लीट होता है तब तक ये बहुत अच्छे से सेटल हो चुका होता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम आईब्रोज़ पे। तो पिछले मेरे एक दो वीडियो में शायद मैंने कमेंट को पढ़ा था कि जो मैं आईब्रोज़ पे पेंसिल यूज़ करती हूँ वो शायद मज़े की नहीं लग रही है कुछ व्यूवर्स को। तो मैं बता दूँ कि मैं पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ कंटूरिंग किट का। कंटूरिंग जो है उसकी क्रिस्टीन वालों की है, 3 नंबर किट है इसका, डार्क वाला शेड है, ठीक है। अब आपके ऊपर होता है कि आप इसको लाइट लगाएं या डार्क लगाएं। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट का, हम उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और ये मैं जितनी भी वीडियोस बना रहे होते हैं इसमें से मोस्टली मेरे रियल क्लाइंट होते हैं, तो उस वजह से मैं जो उनके हिसाब का होता है, जो उनकी डिमांड होती है, उस हिसाब से मैं काम कर रही होती हूँ। तो अगर आपको ये देखने में थोड़ा डार्क लग रहा होता है या नहीं मज़े का लग रहा होता है, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात ये कि कैमरे में कुछ चीज़ें बहुत डार्क लग रही होती हैं जो कि सामने देखने में नहीं इतनी होती हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आई मेकअप। और आइज़ के नीचे मैं काशीस का रस्ट कलर दे रही हूँ थोड़ा सा, और इससे थोड़ी सी आइज़ हमारी प्यारी सी लगती हैं। शेडिंग से थोड़ी सी आइज़ ब्राइट और खुली खुली लगती हैं। और सॉफ्ट लाइन में मैं दे रही हूँ ब्राउन और रस्ट कलर। इन दोनों कलर्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर दोनों मैं सॉकेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर तक अच्छी तरह से फैला दूंगी। और इसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा सा कॉर्नर पे डार्क ब्राउन देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हर मेकअप में ज़रूरी नहीं होता कि आप डार्क ब्राउन शेड दें कॉर्नर्स पे। और आइज़ की भी बात होती है कि अगर आइज़ छोटी हैं बड़ी हैं उसको भी देखना पड़ता है कि उसमें नीड है नहीं है। अच्छा, हमारे ये वाली क्लाइंट को 3D लैशेज लगवानी थी तो थोड़ी सी हैवी हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है उनका इम्यून था और उनका दिल था कि वो हैवी लैशेस लगाएं, तो मैंने इसीलिए यूज़ की हैं। अगर आप लोगों को देखने में ये ज़्यादा अच्छी ना लगे तो कोई इशू नहीं है, आप अपना जैसे लाइट लैशेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने जैसे बताया कि मेरे ज़्यादातर इसमें रियल क्लाइंट होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। जाहिर सी बात है उनका इवेंट काफ़ी मेगा इवेंट था और उनको लैशेस हैवी चाहिए थे, तो हम लोगों ने लैशेस जो है वो हैवी दिए। मैं ये एडवांस में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग देखने वाले फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि आपने जी लैशेस अच्छी नहीं लगाई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लगा दी हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा, या आपको पता नहीं था कि ये लैशेस जाएंगी या नहीं जाएंगी। इस तरह के सवालों से बाद में जवाब देने के बजाय मैं पहले से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम जो काम कर रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है सैलून है, वहाँ पे हर टाइप के कस्टमर आते हैं और हर तरह के लोगों के हर तरह की चॉइसेस होती हैं जिनके हिसाब से हमने काम करना होता है। बहुत ही कम और बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मैं कोई मॉडल्स पे या जो मेरी स्टूडेंट्स हैं लड़कियाँ उनके ऊपर काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने हिसाब से लुक दे रही होती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले मेरी वीडियोज़ में देखी होगी, निकाह मेकअप एक वीडियो मैंने की थी, तो उसमें मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से सारा कुछ किया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा। और जब हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, आप लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके पीछे की मेहनत जो होती है, उसके पीछे जो इतनी सारी स्ट्रगल होती है, एक बंदा कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है कंटिन्यूसली, एक बंदा लाइट पकड़ के खड़ा हुआ है, एक बंदा मेकअप कर रहा है और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, और आप लोग देख के सिर्फ तनकीद कर देंगे तो फिर हमारे थोड़ी सी ऐसा होता है ना कि दिल वो हो जाता है कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि देखिए, हम कस्टमर के हिसाब से जब काम करते हैं तो उनकी सुननी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने इसमें जो लैशेस का इस्तेमाल किया, अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो तो कोई ऐसा मसला नहीं, आप अपने हिसाब से यूज़ करें, छोटी लैशेस यूज़ करें। जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने नॉर्मल लैशेस भी दिखाई हैं और मैंने उसका नंबर भी बताया है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा नंबर यूज़ करना है, पार्टी मेकअप की जो लैशेस होती हैं वो वाली, और कौन सी ग्लू से बहुत अच्छे से वो स्टिक हो जाती हैं। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है वो मेरी लास्ट वीडियो जाके देखें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है लैशेस का, अक्सर पूछ रहे होते हैं,
तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मेरे क्लाइंट पूछ रहे होते हैं, तो मैं उनको बता रही होती हूँ, इंडिविजुअली भी मैं सबको रिप्लाई कर रही होती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर वीडियो में इतनी क्लैरिटी के साथ हर चीज़ बता दूँ कि आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। हो सकता है मैं लेट रिप्लाई करूँ, हो सकता है मैं कॉमेंट देर से देखूँ, तो उसका आपने माइंड नहीं करना है, लेकिन ज़रूर जवाब दूंगी मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेकअप जो है ना बहुत तरह के होते हैं, आई मेकअप भी हर तरह के होते हैं। आपको जैसे डिमांड होती है कि आपने आज जैसे नॉर्मल पार्टी मेकअप करना है, आज हमारे एंगेजमेंट का मेकअप है तो उसको थोड़ा सा लाउड करना है, आज रिसेप्शन है तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना है, आज निकाह है तो उसको थोड़ा हमने सटल लुक देना है, तो बहुत सारे लुक्स होते हैं, ठीक है। तो हर तरह का मेकअप के साथ जो है ना एक जैसी लशेज नहीं जा रही होती हैं, एक जैसी लिपस्टिक्स नहीं जा रही होती हैं। तो मेरे पास जब जब जो जो लुक आ रहा होता है, जो मेकअप आ रहा होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसी के बारे में आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ वो चीज़ें। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वापस आई मेकअप पे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चली गई थी, सॉरी। तो आईज़ पे हम लोगों ने ब्राउन शेडिंग पहले कर ली, हम लोगों ने सॉकेट लाइन अच्छी तरह कर लिया, फिर कॉर्नर थोड़ा सा किया, उसके बाद आई बॉल पे आए हैं, तो आई बॉल पे हम लोगों ने अभी बेस दिए। बेस मैंने यूज़ किया इसके अंदर क्रिस्टीन की आई बेस, ठीक है, थोड़ी सी स्टिकी होती है। अगर आप सीलर यूज़ करना चाहें तो आप सीलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रायलॉन का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं सीलर, लेकिन सीलर थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ऐसा होता है कि वो ग्लिटर की जो पकड़ होती है ना वो छोड़ देता है, ठीक है। जो क्रीमी बेस होती है आई बेस वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है, और वो अच्छी तरह से जो ग्लिटर्स होते हैं उसको लॉक कर लेती है, वो होल्ड हो जाते हैं वहाँ पे, वो नहीं नीचे गिरते हैं, झड़ते नहीं हैं, तो मुझे ज़्यादा ये समझ में आती है। और एक मुझे जो मैं लास्ट लेके आई थी काशिश का सीलर, वो मुझे बहुत पसंद आया था, वो जेल में था, वो भी लिक्विड नहीं था, पानी नहीं था, जेल में था, इसीलिए उसकी भी क्वालिटी और उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। अभी वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है, मेरा दोबारा विजिट नहीं हो रहा, चक्कर नहीं लग रहा वहाँ पे, तो इंशाल्लाह देखें जब मेरा वहाँ पे चक्कर लगा तो मैं और चीज़ें भी काफ़ी सारी लेके आऊँगी और साथ आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि इस दफ़ा मैं वहाँ से क्या क्या लेने जा रही हूँ और क्या लेके आई हूँ। अभी हम लोगों ने इनको दिया है क्रायलॉन का पेस्टल ग्रीन ग्लिटर है ये, और ये है मल्टी ग्लिटर, ठीक है। इसके अंदर गोल्डन शेड भी होता है, इसके अंदर पिस्ता ग्रीन भी होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉपर भी होता है, इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पेन कलर भी ऐड होता है, ठीक है। तो आपके ड्रेस पे अगर लाइट ग्रीन शेड है आपका ड्रेस का, उसके ऊपर गोल्डन काम हुआ है, उसके अंदर लाइट पिंक अगर आपके स्टोन लगे हुए या कुछ भी इस तरह का जो मल्टी में काम आया हुआ, तो ये उसका शेड जो है ना वो पकड़ लेता है, ठीक है। इसके अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा और आपके काम के साथ भी मैच होगा, आपके ड्रेस के कलर के साथ भी मैच होगा, आपकी लिप जो लिप कलर लगा होता है उसका भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, ठीक है। मल्टी शेड जो होते हैं ग्लिटर्स, उनका यही फ़ायदा होता है, जो उनका बेस, जो बेस का कलर होता है ना वो मेन इनका, जैसे अभी ग्रीन है तो इसी तरह से पेस्टल पिंक होता है, पेस्टल ऑरेंज होता है, पेस्टल ग्रीन होता है, पेस्टल ब्लू होता है, तो ये सारे जितने भी पेस्टल कलर्स होते हैं इसके अंदर सॉफ्ट कलर सारे ऐड किए होते हैं, 4 से 5, ठीक है। तो इससे हमें ये एक फ़ायदा होता है कि आपके 3 से 4 सूटों पे आपका ये एक ही कलर का ग्लिटर जा सकता है। जैसे अब इन्होंने ये ग्रीन पहना हुआ है तो इसके साथ ये ग्रीन लग रहा है, ठीक है। अगर इन्होंने थोड़ी देर या कोई और क्लाइंट आ जाता है सपोज़, तो उन्होंने अगर पीच कलर पहना होगा उस पर भी मैं ये दूँगी, तो इसमें ज़्यादा शेड जो है वो पीच का नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने कोई और सॉफ्ट कलर पहना हुआ है, पिंक पहना हुआ है या ऑरेंज पहना हुआ है, तो उसके ऊपर भी जब हम ये लगाएंगे तो ये उसके साथ भी मैच हो जाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि मुझे पसंद है, तो मैं इसीलिए हमेशा मल्टी शेडेड जो ग्लिटर्स होते हैं वो उठाती हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट जो पेस्टल कलर्स होते हैं वो उठाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं उठाती, जैसे पिंक हो गया, फंकी कलर्स हो गए, उस तरह के शेड्स नहीं उठाती हूँ, वो बहुत बुरे लगते हैं। हमेशा बेहतर और सोबर चीज़ की तरफ जाएँ और वो हमेशा खूबसूरत नज़र आए। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इसका जो है ना नेक्स्ट आपको एक हल्का सा छोटा सा डेमो बना के भी दिखा दूं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसके जो शेड्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, ताकि आप जब लेने जाओ तो आपको आसानी हो उसमें। मैं कोशिश करूंगी कि प्रॉपर लाइट्स में मैं इसको अपने हाथ पे लगा के आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा, ग्लिटर देने के बाद जो सॉकेट लाइन का शेड था वो थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, तो उसको मैंने और रिफ्रेश कर लिया एक दफ़ा, और इसके बाद हम करेंगे लाइनर और आईज़ के अंदर वाइट पेंसिल का काम। और अब मैं देने लगी हूँ आईज़ के नीचे लाइट पिंक शेड, इनर कॉर्नर से थोड़ा सा हाफ आईज तक हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे। एक तो इससे ग्लो आ जाता है आईज़ में, दूसरा आईज़ ब्राइट लगेंगी और हमारा मेकअप और खूबसूरत लगेगा, ठीक है।
अच्छा, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा मेरे मेकअप में मैं वाइट पेंसिल या ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही होती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लाइट सी ग्रीन शेड भी हम आईज़ के अंदर देने वाले हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आप ये शेड भी दे सकते हैं आईज़ में, और आजकल तो हर कलर में जो है वो केक लाइनर अवेलेबल है मार्केट में, तो आप किसी भी कलर का दे सकते हैं। जैसे ब्लू हो गया, लाइट पिंक हो गया, लाइट सी ग्रीन हो गया, एक्वा ब्लू हो गया, इस तरह के जितने भी शेड्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं खुद भी इसका रिज़ल्ट आज ही देखूंगी कि कैसा आ रहा है, और आप लोग भी देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया और मेरी क्लाइंट भी बहुत हैप्पी थी ये शेड लगवा के, और उनको कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। और अभी आ गई है लिपस्टिक की बारी, और लिपस्टिक का शेड मैं इनको दे रही हूँ लाइट टी पिंक शेड, और टी पिंक कलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है इस तरह के लाइट कलर्स के साथ, जैसे पिस्ता ग्रीन हो गया, लाइट सी ग्रीन हो गया, और इस तरह के जितने भी लाइट शेड्स होते हैं, तो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। वैसे अभी ये लगाते हुए लाइट कलर लग रहा है, लेकिन जब ड्राई हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा वन टोन ये डार्क हो जाता है, ठीक है। तो जब ड्राई हो जाएगा तो इसका आपको मैं शेड दिखाऊंगी एग्जैक्टली। अच्छा, आईज़ के अंदर जो पेंसिल हम लोगों ने लगाई थी वो लगाते ही आईज़ में पानी आना शुरू हो जाता है, और वो ड्राई होने तक मैं वेट करी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे अभी मस्कारा नहीं दिया है। हमेशा जब भी लाइनर दें या फिर आँख के अंदर शेड दें, तो उससे जब आँखों में क्लाइंट के पानी आने लग जाए या डिस्टर्ब हो जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए आँखों का काम रोक दें और उसकी जगह कोई और काम कर लें, जैसे ही आईज़ कम्फर्टेबल हो जाए उसके बाद फिर बाकी का काम करें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले लिपस्टिक कर ली है, आईज़ का मस्कारा वगैरह अभी रोक दिया, तो जैसे लिपस्टिक कंप्लीट होगी तब तक उनकी आईज़ भी सेट हो चुकी होंगी, तब हम करेंगे लाइनर और मस्कारा फाइनल। तो इसके साथ ही हमारी लिपस्टिक डन हो गई है, और अब हम कर लेते हैं लाइनर और मस्कारा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा इनको लुक, इनका जो लुक आया है आज, और इनको ख़ुद भी बहुत पसंद आया था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इसके साथ ही हमारा लाइनर हो जाता है कंप्लीट, और हमारा फाइनल लुक आने वाला है करीब, और मैं आपको फाइनल लुक की पूरी वीडियो भी ड्रेस दिखाऊंगी। इनर कॉर्नर को अच्छी तरह से नीट कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे आगे से, ताकि आँखों की खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाए। और हम अक्सर कभी कभी छोड़ देते हैं इनर कॉर्नर पे, ध्यान नहीं देते हैं, लाइनर की स्ट्रेट लाइन करके छोड़ देते हैं, तो वो मज़े का लुक नहीं आ रहा होता है, जो कि हमें बाद में पिक्चर्स में पता चलता है। और यहाँ पर एक हो गई हमसे गलती कि लाइनर था गीला और उन्होंने आइज़ ओपन कर ली, और वो ऊपर एक शेड की लाइन आ गई, आप देख रहे होंगे लाइनर हमारा थोड़ा सा ऊपर लग गया है। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने ड्राई होने देना है, फ़ौरन से साफ़ नहीं करना है वरना वो फैल जाता है। तो अच्छी तरह इसको ड्राई होने दें, ड्राई होने के बाद इस जगह पे दोबारा आपने हल्का सा ब्रश फेर के ब्लेंड कर लेना है, सॉकेट लाइन का ब्रश, और उसके बाद आपने आई बेस लगा के वापस ग्लिटर फ्रेश कर देने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हाइड हो जाती है। तो देखिए अभी अच्छी तरह से साफ़ हो गया, और यहाँ पर हमारा मेकअप कम्प्लीट हो गया। और इसके साथ ही अब आ गया हमारा फाइनल स्टेप, हाइलाइटर। हाइलाइटर का जो एरियाज है वो चीक बोन है, आपका नोज़,
चिन, फोरहेड, ये सारी जगहें हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हाइलाइटर दें ताकि अच्छा सा ग्लॉसी सा लुक आए और आपका फेस जो है वो खूबसूरत लगे, शाइनी लगे। तो चलें देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो ये था इनका ड्रेस और ये है इनका कंप्लीट लुक बालों के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।